नमस्कार। इस वीडियो को हमारे नेपाली मित्र और इंडियन मित्र पूरा सुने। आपको भारत, चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है वो सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब तक साउथ चाइना सी से अमेरिकी सेनाएं पीछे नहीं हटी, जिस स्थिति में 2020 जनवरी में साउथ चाइना सी में अमेरिकी सेनाएं थी, उसी स्थिति में जब तक अमेरिकी सेनाएं नहीं जाती है तब तक भारत और चीन का तनाव कम नहीं होगा और न ही चीन फिंगर 5 से पीछे हटेगा। चीन जो है वो फिंगर 4 के थोड़े से हिस्से में उसकी सेनाएं मौजूद हैं। आप सीधा ये समझें कि फिंगर 5 में चीन की सेनाएं मौजूद हैं। और जब तक साउथ चाइना सी से अमेरिकी सेनाएं पीछे नहीं हटती है तब तक फिंगर 5, 6, 7, 8 चीन की सेनाएं नहीं छोड़ेगी, क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि अमेरिका या भारत में किसी भी देश ने अगर गोली चला दी, यानी भारत यदि पहली गोली चलाता है तो अमेरिका भी साउथ चाइना सी से चीन पर हमला कर देगा, और अमेरिका यदि साउथ चाइना सी से चीन पर हमला करता है तो भारत भी चीन पर हमला कर देगा। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि अमेरिका इंतजार कर रहा है कि पहली गोली भारत चलाए। आप सीधा समझें कि अमेरिका भारत के कंधों पर बंदूक रखना चाहता है, क्योंकि भारत के पास बहुत विशाल सेनाएं हैं। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि भारत की टोटल आर्मी को जोड़ देंगे तो 40 लाख से ज़्यादा होती है, और अमेरिका जानता है कि यदि चीन को कोई युद्ध में बराबर टक्कर दे सकता है तो वो भारत ही दे सकता है। इसका मुख्य कारण है कि भारत की विशाल सेनाएं, सेनाओं के मामले में जितना चीन है उससे भारत ज्यादा ही है। हाँ, हथियारों के मामले में हो सकता है चाइना भारत से आगे हो। तो अमेरिका क्या चाहता है कि भारत पहली गोली चलाए, और इसके लिए अमेरिका द्वारा भारत को बहुत सारे लालच दिए जा रहे हैं। भारत को नहीं, नरेंद्र मोदी को, यानी हम भारत को अत्याधुनिक हथियार देंगे, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, और भी बहुत सारी जगहों पे अमेरिका द्वारा नरेंद्र मोदी को लालच दिया जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी चीन पर हमला करें, और हिमालय की साइड से भारत चीन पे हमला करेगा और साउथ चाइना सी से अमेरिका चीन पर हमला करेगा। ये रणनीति है अमेरिका की, यानी अमेरिका चाहता है कि पहला हमला भारत करे, लेकिन नरेंद्र मोदी पहला हमला नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ये अच्छे से जानते हैं कि जब तक साउथ चाइना सी में अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं तब तक चीन पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चीन को अपना BRI बचाना है, और यदि अमेरिका चीन के ऊपर हमला कर देता है तो ये 100% निश्चित है कि भारत भी चीन पर हमला करेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि भारत चीन के बीच युद्ध हो, लेकिन जनता का जो प्रेशर है वो नरेंद्र मोदी नहीं झेल पाएंगे। अमेरिका और चीन में यदि युद्ध होता है तो भारत को लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता का ब्रेन वॉश अमेरिकन मीडिया पहले ही कर चुकी है। इसलिए भारतीय जनता चाहती है कि कैसे भी करके चीन को सबक सिखाया जाए, और भारतीय जनता के प्रेशर में नरेंद्र मोदी को चीन पे हमला करना ही होगा। जब अमेरिका और चीन के बीच में युद्ध होगा उस समय यदि नरेंद्र मोदी उस समय चीन पर हमला नहीं करते हैं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी या नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी ही होगी, यानी पूरी जनता नरेंद्र मोदी के विरोध में उतर जाएगी। और नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि जब तक साउथ चाइना सी में अमेरिकी सेनाएं मौजूद हैं तब तक चीन फिंगर 5 से 6 से 7 से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चीन इस जगह पे मौजूद है तो वो अपने BRI प्रोजेक्ट को बचा सकता है। यदि चीन फिंगर 8 तक खाली कर देता है तो भारत 24 घंटे के अंदर ही अंदर POK को ले लेगा। आप सीधा समझें कि चीन POK को बचाना चाहता है, क्योंकि वहां से उसका BRI प्रोजेक्ट जाता है। देखिए, यहां पर भारतीय जनता को भी पता नहीं है कि 2008 में चीन ने फिंगर 5 तक सड़कें बना ली थी। इस समय भारत कह रहा है कि फिंगर 4 तक भारत की जगह है, और फिंगर 4 से और 8 तक पहले
पेट्रोलिंग होती थी दोनों सेनाओं की तरफ से। दोस्तों 2008 में फिंगर 2 तक चीन की सेना पेट्रोलिंग करती थी और फिंगर 8 तक भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी। तो आप ये समझें कि 6 जो फिंगर हैं वो विवादित हैं। हालांकि भारतीय मीडिया कुछ भी कहे, भारतीय मीडिया फिंगर 4 तक अपना बताती है, लेकिन दोस्तों फिंगर 2 तक 2008 के दौरान चीन की सेना पेट्रोलिंग करती थी, यानी भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था और चाइना फिंगर 2 तक पेट्रोलिंग करता था। 6 फिंगरों में विवाद है। ये जो फिंगर हैं ये पहाड़, आप इनको समझें, ये पहाड़ी या पहाड़ हैं। तो हर पहाड़ी को फिंगर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बताया गया है। तो आप क्या समझे हैं कि फिंगर 2 तक चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी और फिंगर 8 तक भारत की सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी, यानी फिंगर 8 से और फिंगर 2 तक विवादित है। ना वो चीन की भूमि है और ना ही वो भारत की भूमि है। हालांकि सही से देखा जाए तो वो भारत की ही भूमि है जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। हम दोस्तों आपको ये बताना चाह रहे थे कि जब तक साउथ चाइना सी में अमेरिकी सेनाएं चीन पर प्रेशर बना रही है तब तक चीन फिंगर 5 से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चीन अच्छे से जानता है अमेरिका ने यदि भारत चीन पर हमला कर दिया तो भारत भी चीन पर हमला करेगा। भारत मजबूरी में करेगा, नरेंद्र मोदी मजबूरी में चीन पर हमला करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता नरेंद्र मोदी को इतना प्रेशर कर देगी कि नरेंद्र मोदी को सेनाओं को ऑर्डर देना ही पड़ेगा कि चीन पे हमला कर दो। तो जब तक साउथ चाइना सी से अमेरिकी सेनाएं पीछे नहीं हटती है तब तक फिंगर 5 वाला जो एरिया है उसको चीन खाली नहीं करेगा, क्योंकि चीन में भी कोई बेवकूफ लोग नहीं बैठे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत भी चीन पर हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि वोटों की राजनीति। नरेंद्र मोदी नहीं तो यदि चीन पे हमला नहीं करते हैं तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और बीजेपी ने जो इतना क्रेज भारतीय जनता की नजर में बनाया है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, यानी बीजेपी का जो गढ़ अपना तैयार किया है वो गढ़ खत्म हो जाएगा यदि भारत चीन पे हमला नहीं करता है तो। क्योंकि भारत की विपक्षी पार्टियां तो अभी चाहती है कि भारत चीन पर हमला करे। भारत चीन पे हमला इसलिए नहीं कर रहा है कि नरेंद्र मोदी इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि जो तनाव है, टेंशन है, वो है चीन और अमेरिका के बीच में। भारत और चीन के बीच में कोई तनाव नहीं है। अमेरिकी सेनाएं पीछे हट जाती है तो फिंगर 5 वाला सारा एरिया चीन खाली कर देगा। यानी सही से कहें तो चीन और भारत के बीच में इस समय कोई भी तनाव नहीं है। भारतीय जनता के दिमागों में कुछ विदेशी फंडिंग से चलने वाली मीडियाओं ने ये चीज डाल रखी है कि चीन भारत को हड़प करना चाहता है। हालांकि भविष्य में चीन भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, क्योंकि दोनों की जनसंख्याएं ज्यादा हैं और भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला दिया। इससे क्या होगा कि चीन का सामान कम बिकेगा। यदि भारत भी चीन के जितना उत्पादन करता है तो चीन का सामान कम बिकेगा, जिससे कि चीन जो महाशक्ति बनना चाहता है उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो भविष्य में चीन और भारत ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होंगे। लेकिन मोदी और जिनपिंग के बीच में जो समझौते हुए हैं उसके अनुसार दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे। लेकिन भारत की जनता ये बात नहीं समझ रही है। ये बात दोस्तों 100% सही है कि भारतीय मीडिया में कुछ ना कुछ विदेशी फंडिंग है और ये कांग्रेस सरकार ने चलाई थी। कांग्रेस सरकार ने 2005 के बाद ही चाइना को अपना दुश्मन बना लिया था। कैसे बनाया? अमेरिकी प्रेशर में। और भारत में चीन विरोधी मीडियाएं चलाई, जैसे आपने देखा होगा कि नेपाल में भारत विरोधी मीडियाएं चलती है, पाकिस्तान में भारत विरोधी मीडियाएं चलती है। इन सब मीडियाओं पे अमेरिकी कंट्रोल है। नेपाल की मीडिया पे अब चाइना का कंट्रोल है, पाकिस्तान की आधा मीडिया पे अमेरिका का कंट्रोल है और आधा मीडिया पे
चाइना का कंट्रोल है। भारत की लगभग 40% मीडिया पे अमेरिकी कंट्रोल है। आपने ये देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने इस समय 101 जो हमारे हल्के वेपन्स हैं उन पर रोक लगाई है। नरेंद्र मोदी ने केवल और केवल इसलिए रोक लगाई है ताकि हथियारों की जो राजनीति है, हथियार खरीदने की, यही ख़त्म हो जाए। जब भारत हथियार ही नहीं खरीदेगा तो विदेशी ताकतें जो अपने हथियार बेचने के लिए युद्ध को भड़काना चाहती हैं वो ना भड़काएं, क्योंकि युद्ध होगा तो भारत हथियार खरीदेगा, चीन भी रूस से हथियार खरीदेगा, पाकिस्तान भी खरीदेगा। इससे क्या होगा, रूस, अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के हथियार बिकेंगे। इसलिए ये सारे देश चाहते हैं कि भारत, चीन और अमेरिका में युद्ध हो। अमेरिका जो युद्ध का खर्चा निकालेगा वो केवल अपने ही हथियारों को बेच के निकाल देगा यदि ये युद्ध होता है तो। इसलिए नरेंद्र मोदी ने 101 जो आर्मी के हमारे वेपन्स हैं उन पर रोक लगाई और 2022 तक ये रोक पूरी लग जाए, ताकि विदेशी ताकतों को जब दिखेगा कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो युद्ध क्यों भड़काएंगी। तो आप सीधा समझिए कि जब तक साउथ चाइना सी से अमेरिकी सेनाएं पीछे नहीं हटती है तब तक फिंगर पांच से चीन भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चीन को एक ही चीज़ का डर है कि अमेरिका यदि चाइना के ऊपर हमला करता है तो भारत भी चाइना के ऊपर हमला करेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी इस नीति पे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस नीति पे चल रहे हैं कि अमेरिका चीन की लड़ाई होगी तो हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, किसी भी देश का साथ नहीं देंगे। इस नीति पे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता इस नीति पर नहीं चल रही है। भारतीय जनता का मानना है कि अमेरिका चीन में लड़ाई होगी तो भारत को चीन के ऊपर हमला करना ही होगा, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे कहने का एक ही मतलब है कि जब तक साउथ चाइना सी से अमेरिकी सेनाएं पीछे नहीं हटती है तब तक फिंगर पांच वाला जो एरिया है उसको चीन खाली नहीं करेगा। धन्यवाद।